असलम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव नेक्स्ट हमारा दिसंबर का स्टेबस स्टार्ट हो जाता है और उस दिसंबर के सिलेबस में हमारा फर्स्ट वीक है ठीक है उसका सिलबस है साइंस का इसके सबसे पहले हम एम सी क्यूज़ करेंगे एम सी क्यूज में चूज़ द बेस्ट आंसर फर्स्ट वन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी मेड ऑफ डैश बिल्डिंग ब्लॉक्स हम हमारे जिसम का हर हिस्सा डैश बिल्डिंग ब्लॉक से मिल के बना हुआ है किन कौन से स्माल बिल्डिंग छोटे टाइनी या लार्ज बहुत बड़े तो इसका आएगा टाइनी बहुत छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिल के बने और उनको हम सेल्स कहते हैं ठीक है ठीके? हर हमारी बॉडी का हर हिस्सा टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना हुआ होता है टाइनी इसका आंसर आएगा डैश सेकेंड वन डैश आर टू स्मॉल टू सी विथ नेकेट आई कौन इतने स्माल होते हैं कि जो हमें नेकेड आई से हमारी आम आंख से हमें नज़र नहीं आते बॉडी जिस सेल्स या स्किन ठीक है तो इसमें आंसर सेल्स आएगा सेल्स हमें हमारी आम आंख से नजर नहीं आती हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं बॉडी भी हमें नज़र आ सकती है स्किन भी हमें नजर आ सकती है हमें सेल नहीं नज़र आते ठीक है तो सेल्स आर टू स्मॉल टू सी विद नई थर्ड वन योर बॉडी कॉन्टें डैश ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तु किस्म के क्या हो सेल्स होते हैं कितने कितने कितनी तादाद में थाउजेंड्स की तादाद में हंड्रेड्स की तादाद में मिलियंस की तादाद में तो हंड्रेड्स की तादाद में ठीक है योर बॉडी कॉन्टेंट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आगे है मसल बोन एंड नर्व सेल्स मेडअप ऑफ मसल बोन्स और नर्व सेल किस से मिलकर बनते हैं ब्लॉक्स से मिल के बनते हैं बोन्स से मिल के बनते हैं या फिर टिश्यूज से मिलकर बनते हैं तो ये टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ठीक है मसल बोन्स और नर्व सेल टिश्यूज से मिल के बनते हैं है, तो है, है. आगे नेक्स्ट वन ब्लड इज आल्सो अ डैश ब्लड क्या है एक टिशू है सेल है या ऑर्गन है ठीक है खून हमारा जो ब्लड है वो क्या है वो एक टिश्यू है ठीक है ब्लड इज अ टिश्यू नेक्स्ट है डैश इज अ टिश्यू विद सेल्स फ्लोटिंग इन अ लिक्विड क्या को क्या टिश्यू है सॉलिड एक टिश्यू है ब्लड एक टिश्यू है या प्लाज्मा एक टिश्यू है तो इसका आंसर भी ब्लड ही आएगा ब्लड एक टिश्यू है ब्लड इज़ अ टिश्यू विद सेल्स फ्लोटिंग इन अ लिक्विड जो कि एक लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है ठीक है तो ब्लड इसका आंसर होगा नेक्स्ट वन डैश डाइजेस्ट द फूड फूड को हज़म कौन करता है डाइजेस्ट कौन करता है ब्लड करता है लीवर करता है या स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसमें क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्ट पंप्स द डैश हार्ट किसको पंप करता है फूड को पंप करता है ब्लड को पंप करता है या वाटर को ब्लड कर, पंप करता है सॉरी तो ये ब्लड को पंप करता है हार्ट हमारा जो दिल है उसका काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है ठीक है पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंच जाता है नेक्स्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर स्टोर्स डैश फूड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कौन सी फूड को स्टोर करती है फाइबर्स को अनडाइजेस्टिड को या डाइजेस्टिड फ़ूड को तो इसका आंसर आएगा अनडाइाइजेस्टिड फ़ूड को यानी जो फूड हज़म नहीं हो सकती डाइजेस्ट नहीं हो सकती सख्त पार्ट होते हैं फूड के वो हमारे अनडाइजेस्टिड फ़ूड कहलाती है और वो अनडाइजेस्टिड फूड जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होती है ठीक है नेक्स्ट लास्ट वन एम सी डैश कंट्रोल द बॉडीज एक्टिविटीज़ बॉडी की सारी सरगर्मियों को सारे कामों को जो हमारे अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है लीवर ब्रेन या किडनी ठीक है तो इसका आंसर आएगा ब्रेन ब्रेन हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस को प्रोसेसेस को जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उन सब एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल करता है दिमाग ठीक है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज बॉडीज की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है आंसर इज ब्रेन ब्रेन कंट्रोल आर द बॉडीज एक्टिविटी बॉडी की सारी सरगर्मियों को ब्रेन कंट्रोल करता है क्वेश्चन नंबर टू इज विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का है ठीक है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है ऑर्गन वो होते हैं जो स्पेशल काम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में स्पेशल उनका एक ही काम होता है तो स्किन सबसे बेस्ट और बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है आगे है क्वेश्चन नंबर थ्री विच बोन्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम डेंजरस डेंजर ख़तरे से ठीक है आपकी बॉडी को आप और आपके हार्ट और आपके लंग्स को बोन्स कौन सी बोन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं उनकी हिफाजत करती हैं यहाँ पे यह वर्ड डेंजर आना है सॉरी मिस्टेकनली डेंजरस लिखा गया है यह डेंजर है ठीक है तो हमारी कौन सी बोन्स जो हैं वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं महफूज करती हैं आंसर इज द रिब केज और थोरे केज प्रोटेक्ट दार्ट एंड लंग्स हार्ट एंड लंग्स को रिब केज या फिर केज जो है वो हिफाजत करती हैं यहाँ पे आपकी ये पसलियाँ जिनको हम बोलते हैं ये आपका रिब केज होता है ढेर सारी पसलियाँ होती हैं इसको हम केज भी कहते हैं ये हमारे लंग्स और हमारे हार्ट के ऊपर इस तरह से ये पसलियाँ होती हैं रिब्स रिब्स होती हैं कि ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके तो इनका नाम केज भी है और रिपकेज भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज़ नेम द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ठीक है उन बॉडी ऑर्गन्स के हमने नाम बताने हैं जिनके जरिए हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो um, आउट होता है आंसर इज़ किडनी लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस ये वो तीन ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होनी है किडनी ने भी जो लास्ट वेस्ट लिक्विड है वो बनाना है और उसके बाद एनएस से उसने रिमूव हो जाना है तो ये मेन तीन ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ हो मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स कनेक्टेड विद सेंसिस कैन यू थिंक ऑफ वो ऑर्गन आप बताएं वो ऑर्गन के नाम जो कि हमारी सेंसिस से, से कनेक्ट हैं मतलब सेंस में यूज़ होते हैं तो वो फाइव सेंसेस हैं हमारी हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फाइव सेंसेस होती हैं आइज़ आइज ऑर्गन है ठीक है और ये सींग की सेंस के लिए यूज़ होते हैं यानी हम देखने की सेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं ईयर्स हेरिंग के लिए यूज़ होते हैं सुनने के लिए यूज़ होते हैं नोज़ स्मेल करने के लिए यूज़ होता है स्किन टच के लिए हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसके लिए स्किन यूज़ करेंगे टांग टेस्ट वगैरह करने के लिए तो ये फाइव मेजर सेंसेस और ये ऑर्गन्स हैं मेजर जो इन सेंसेस को फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ सेल अ टिश्यू एंड एन ऑर्गन डिफरेंस बताना है आपने एक सेल के अंदर टिश्यू के अंदर और ऑर्गन के अंदर ठीक है सेल में सबसे पहले देखते हैं इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिक यूनिट है यानी इन सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है नंबर टू इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है शेक एक प्रॉपर शेप देता है देते हैं सेल्स टिश्यू है टिश्यू क्या चीज़ होती है ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर शेप ये ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है यानी इन से इन सेल्स से मिलकर ये टिशू बनते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और इनकी शेप एक ही होती है और आगे ऑर्गन हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ इंटू लार्जर पार्ट्स और इन दोनों सेल्स और टिशूज से मिलकर ऑर्गन बनते हैं ठीक है और ये ऑर्गन जो होते हैं ये हर ऑर्गन का एक स्पेशल काम होता है विच डा स्पेशल जॉब जो स्पेशल काम करते हैं ठीक है ठीके?